आपने आइटम्स टैब पूरा कर लिया है और टर्म्स एंड कंडीशंस टैब में प्रविष्टियों को शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस टैब में आप दर्ज करें अथवा निम्न से संबंधित जानकारी देख सकते हैं: टर्म्स एंड कंडीशंस ग्रुप, लाइन नंबर, टाइप, टर्म्स कोड, डिस्क्रिप्शन। टर्म्स एंड कंडीशंस ग्रुप का चयन करने के लिए सर्च आइकॉन पर क्लिक करें। पॉपअप में एक टेम्पलेट कोड का चयन करें। वैकल्पिक रूप से यदि आप टेम्पलेट कोड जानते हैं, आप कोड को दर्ज कर सकते हैं। ध्यान दें, यह टेम्पलेट कोड मास्टर में उपस्थित होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस ग्रुप का चयन करने पर आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन भर जाता है। इसी तरह लाइन नंबर, टाइप, टर्म्स कोड और डिस्क्रिप्शन भी भर जाता है। डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट प्रति के रूप में दिखाया जाता है। आप भी टर्म्स के डिस्क्रिप्शन को बदल सकते हैं। ध्यान दें, यह परिवर्तन मास्टर नवीनीकरण नहीं करता है। यह टर्म्स एंड कंडीशंस टैब में सभी प्रविष्टियों को पूरा करता है। अब आप सेल इनवॉइस डॉक्यूमेंट पोस्ट कर सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को संदर्भित किए बिना अब आपने एक सेल्स इनवॉइस डॉक्यूमेंट बना लिया है।